हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने आईक्यू 11 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करना है। अब नोटिफिकेशन के पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैच का, इसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये आपका होम स्क्रीन ऐप आइकन बैच का एक छोटा सा पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको नीचे तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीन में से आपका ना सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे पहले से सिलेक्टेड होगा, डू नॉट डिस्प्ले के सामने वाले सर्कल पे आपका पहले से सिलेक्टेड होगा, यानी कि सेटिंग आपकी पहले से ही डिसेबल होगी। अब इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए ऊपर की साइड में आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो डॉट का, एक नंबर का। ठीक है, इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे आपकी सेटिंग ऑन हो जाएगी, यानी कि इनेबल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना, मैं आपको पहले तो दिखा देता हूँ कुछ यहाँ पे, फिर सेटिंग को ऑन करके दिखाऊंगा। देखिए यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे कोई भी डॉट अभी लगा हुआ नहीं है यूट्यूब के ऐप के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है अभी इसे डॉट पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये सेटिंग हमारी इनेबल हो जाती है। ये सेटिंग हमारी इनेबल हो जाती है डॉट पे सिलेक्ट करने से या फिर नंबर पे सिलेक्ट करने से। ठीक है, अभी सिलेक्ट इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है कि जब भी आपके फोन पे नोटिफिकेशन आएगा ना, तो जिस ऐप का नोटिफिकेशन आएगा उस ऐप के ऊपर आपको डॉट लगा हुआ दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यूट्यूब के ऊपर ना एक डॉट लगा हुआ है इस तरीके से, इससे हमारे को ये पता चलता है कि हमारे फोन पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है यूट्यूब का। ठीक है, तो जिस ऐप का नोटिफिकेशन आएगा उस ऐप के ऊपर आपको डॉट लगा हुआ दिखाई देगा। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है इनेबल होने के बाद। अब मैं आपको इस सेटिंग को ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज, तो आपको नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपको मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है और सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का।